मुझे लेना यहाँ से लेफ्ट और उसके बाद कितना पड़ जाएगा यार वैसे आप धनुषकोटी बस से भी आ सकते हो और मोटर से भी आ सकते हो हेलो अन्ना अन्ना व्यू पॉइंट 5 kilometers ओके थैंक यू अन्ना कह रहे 5 kilometers बचा अभी यहाँ से व्यू पॉइंट चलते चलो चलते चलो 5 kilometers यहाँ पे पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था शायद यार है ना दिस इज ओल्ड चर्च हाँ ओल्ड कितना पुराना ये 64 1600 का 64 1964 तो फिर ऐसा कैसे हो गया ये वो साइक्लोन आया था अन्ना बता रहे कि सुनामी के कारण अच्छा उधर स्टेशन हुआ करता था और ये इधर चर्च हुआ करता था अदर अंदर का वो ओल्ड हार्बर ओल्ड हार्बर हाँ ओल्ड हार्बर में गया और ये 1964 में वो जो साइक्लोन आया था सुनामी आया था सुनामी का वो जब आइलैंड को ही डुबो दिया था आइलैंड का समुद्र का मंदिर अभी वो सुनाम का वो पूरा अंदर पूरा अंदर हो गया था पानी फिर वो मिसिंग है ना इधर छोटा अभी भी पानी के अंदर ही है वो पानी के अंदर का पूरा ट्रेन का पूरा अंदर अभी भी अंदर ही है वो किस साइड है वो अंदर दिखता है क्या यहाँ से पूरा दिखता है ओके थैंक यू ना अन्ना बता रहे पहले धनुषकोटी एक बड़ी टाउन हुआ करती थी 64 में यहाँ पे सुनामी तो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी और यहाँ पे जो चर्च था रेलवे स्टेशन सब कुछ पानी के नीचे चला गया था अन्ना मुझे ये भी बता रहे थे कि आगे कुछ दिख जाएगा पानी में लेकिन शायद मुझे लग नहीं था ऐसा कुछ होगा बाकी चल के देखते हैं ये वो चर्च जो उस टाइम सुनामी के कारण डिस्ट्रॉय हो गया था कितना पुराना चर्च है 1964 सर 1964 में साइकिल में बहुत आराम आया नहीं उससे पहले कब बना था ये 200 ईयर्स में 200 ईयर्स पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया साइक्लोन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया ये जो आप आगे देख रहे हो ना ये पहले के मकान मकान है यहाँ पे एक सिटी हुआ करती थी 1964 में यहाँ पे एक बहुत तगड़ी सुनामी आती है और यहाँ की पूरी लाइफ को तहस नहस कर देती है इधर चर्च होता था यार सोच के देखो जब सुनामी आई होगी उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी ना और मैंने कहा ये भी पढ़ा था 2004 में जब 26 जनवरी को सुनामी आई थी ना इंडियन ओशन वाली सुनामी उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था रामेश्वरम इसका देखो मेरे को कन्फर्म नहीं लेकिन मैंने एक दो रिपोर्ट्स पढ़ी थी 1-2 साल पहले मैं पूछ रहा था कि कितनी कैजुअलिटी हुई थी लेकिन भाई को इंग्लिश नहीं आती और ना हिंदी आती कोई नहीं मैं गूगल पे जाके चेक कर लूँगा
तो गाइस ये थी वो जगह जहाँ पर 1964 की सुनामी ने काफ़ी नुकसान किया था। और अब हम चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ से 5 किलोमीटर बच गया जो एंड का व्यू पॉइंट है ना, वो तो चलते हैं यार। ये सभी के सभी रोइंस हैं उस टाइम के, 64 के सुनामी के बाद में इनका रिकंस्ट्रक्शन हुआ नहीं शायद। पर यार जगह देखो ना, सिर्फ 100 मीटर चौड़ा भी नहीं होगा, दोनों तरफ पानी पानी, उस तरफ पानी, इस तरफ पानी, और दोनों तरफ से ये इस साइड से भी वेव आ रही है और उस साइड से भी वेव आ रही है। आगे जाके तो दोनों इंटरसेक्ट होंगे, तब कैसा होगा यार। चलो चलो जल्दी चलो, रामेश्वरम से धनुषकोटी और धनुषकोटी से भी राम सेतु। मैं वैसे राम सेतु की तरफ जा रहा हूँ। चले चले चल के नहीं जा सकता। एक्चुअली दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, उधर श्रीलंका रह गया, उधर आगे जाएंगे ना तो कन्याकुमारी आएगा, और इधर जाएंगे तो श्रीलंका, उधर जाएंगे तो श्रीलंका। तो दिस इज द ऑफिशियल लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वेव इंटरसेक्ट हो रही है, इधर वाली इधर वाली, कंफ्यूज हो ही कि जाएंगे, इधर इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। इंटरसेक्शन अच्छा है ना यार, स्क्वायर बन रहा है, देखो इधर भी आ रही है उधर भी आ रही है। लेट ना हो जाए।
कहाँ कहाँ लगता हो? हाँ नॉर्थ का ही है ना। मैं बस कैमरा बंद कर देता हूँ। पीछे ओके ना।